दोस्तान, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमे की रेसिपी। तो इस चिकन कोरमे को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप ऑयल, 2 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 7 से 8 छोटी इलायची, 1 किलो चिकन, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/3 कप पानी, 1 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून जायफल जावित्री पिसी हुई, 1/2 कप दही, 1 टेबलस्पून केवड़े का पानी। तो सबसे पहले हम अपने पैन में ऐड करते हैं ऑयल, फिर हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज तलने के लिए। प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई करें। जब प्याज पूरी तरह फ्राई हो जाए तब उसको आप अलग कर लें। अब उसी तेल में आप डालें लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची। अब आप उसमें ऐड करें अपनी चिकन। चिकन को फ्राई करें तब तक जब तक उसका रंग बदलना शुरू हो जाए। उसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया और उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कम मिर्च खाने वाले लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हस्बे जायका है तो आप इसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम उसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसको कवर करके दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे ताकि चिकन अंदर तक पक जाए और उसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये भुन चुका है तो अब आप इसमें तली हुई प्याज को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के डाल दें। थोड़ा मिक्स करने के बाद उसमें हम गरम मसाला और जायफल जावित्री डालेंगे और 2 मिनट तक बंद करके छोड़ देंगे ताकि उसमें खुशबू आ जाए। अब हम उसमें अच्छी तरह फिटा हुआ दही और केवड़ा डालेंगे और हल्की आंच पर 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अब ये मज़ेदार कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस रेसिपी को आप घर पे भी ट्राई करें और अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।